शिमला कोटखाई में हुई गुड़िया प्रकरण की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। 9 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक सीबीआई गुड़िया मामले में किसी भी तरह का कोई ठोस सुराग नहीं ढूंढ पाई है। इसी कड़ी में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने साफ किया कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है और वे 18 अप्रैल को फाइनल रिपोर्ट सौंपे। वहीं सीबीआई के वकील अंशुल बंसल का कहना है कि सुनवाई के बाद सीबीआई के पास एक जरूरी रिपोर्ट पहुंची है, जिसे कोर्ट में पेश करने की बात की गई। सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन अपनी की है उसके बारे में कोर्ट को बताया है, कोर्ट को अवगत कराया है कि ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में हुआ है राइट फ्रॉम 10th of January टिल डेट। जो कुछ हुआ है हमने कोर्ट को बताया है। कोर्ट ने फर्दर डेट 18 तारीख की दी है। 18 को फर्दर एफिडेविट और जो कुछ भी कोर्ट ने हमारे से मांगा है हम उसको पेश करेंगे कोर्ट में। नहीं, क्लूज देखिए, ये इस तरह का मर्डर केस है जिसमें कि सारी एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो एटलीस्ट सीबीआई अपना काम कर रही है और कोर्ट ने कहा, ये सेटिस्फैक्शन भी जिताई है कि भाई कोर्ट, हम अपना काम तो कर ही रहे हैं और हमने पूरी डिटेल कोर्ट को दी है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लीड जैसे ही कुछ मिलेगी वो सबके सामने आ जाएगी थोड़े दिनों में। साइंटिफिक एविडेंस तो हम कलेक्ट कर ही रहे हैं और उसके बेसिस पे ही हमारा कुछ क्लू हमें मिल सकता है, क्योंकि दैट ब्लाइंड मर्डर केस और उसमें तो साइंटिफिक एविडेंस पे ही हमारा बेस है। ये डायरेक्टर को ऑर्डर तो किए हैं बुलाने कि भी वो कोर्ट में पेश होंगे और अपना एफिडेविट फाइल करेंगे। विल सी ऑन दैट डे की पहुंचेगी। ऐसा कोई केस है नहीं जो सीबीआई ने आज तक सॉल्व नहीं किया है और इस केस को भी जल्दी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई थी पीछे और पुलिस ने हमें हैंडओवर की थी, जितने सारे एविडेंस इसने डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, तो एटलीस्ट सीबीआई के पास ऐसी कोई जादू चढ़ी तो है नहीं कि जिसको हम घुमाएंगे और उसको निकाल लेंगे। तो इट विल टेक सम टाइम। कोर्ट ने ये रिपोर्ट 29 मार्च को सौंपने के लिए कहा है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई के डायरेक्टर को भी तलब किया था और बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट में कोई सबूत न होने की बात कही थी। अब देखना ये होगा कि सुनवाई के बाद सीबीआई के पास जो रिपोर्ट पहुंची वे कोर्ट में क्या साबित कर पाती है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट।